हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको भी लॉन्ग हेयर, स्ट्रांग हेयर और हेल्दी हेयर चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ डाबर आमला हेयर ऑयल की हेल्प से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अभी आप लोग अच्छी तरह से मेरे बालों को देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने ज़्यादा स्मूथ हैं, सॉफ्ट है और लॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं। मैं अपने बालों में डाबर आमला हेयर ऑयल किस तरीके से यूज करती हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में है, ये है डाबर आमला हेयर ऑयल। तो डाबर आमला हेयर ऑयल का यूज हम लोग इस वीडियो में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें है विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, जिससे बाल काफ़ी ज़्यादा मजबूत और हेल्दी बनते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए डाबर आंवला हेयर ऑयल। तो इसे आप अपने प्लेट में कुछ इस तरीके से निकाल लीजिए, अपने बालों की लेंथ के हिसाब से, जितने लंबे आपके बाल हैं उस हिसाब से आप निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ पर अपने बालों के हिसाब से निकाल रही हूँ। और अब आप लोगों को यहाँ पे चाहिए कैस्टर ऑयल। ये है कैस्टर ऑयल, लगभग 2 टेबल स्पून चाहिए। तो इसे डाबर आंवला हेयर ऑयल में इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो कैस्टर ऑयल का यूज हम लोग इसमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे बाल काफ़ी ज़्यादा शाइनी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं और बाल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये हेयर ऑयल बन चुका है, आप देख सकते हैं ये रेडी है, मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ यहाँ पे कि इसे कैसे लगाना है। तो इस हेयर ऑयल को अपने पूरे जड़ों में आप अच्छी तरीके से लगा लीजिए। तो मैं जल्दी से अपने बालों में इस हेयर ऑयल को लगा लेती हूँ, जैसे हम नॉर्मल हेयर ऑयल लगाते हैं इसे वैसे ही लगाना है। तो इसे आप अपने पूरे बालों में लगा लीजिए और लगाने के बाद आपको 10 मिनट तक मसाज करना है। तो अब आप बालों में एक जूड़ा बना लीजिए, लगभग इसे 1 घंटे तक ऐसे रखना है। उसके बाद आप हेयर को वॉश कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी, सॉफ्ट और स्ट्रांग हो गए हैं। आप अपने मनपसंद कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हो, बाल काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं। आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।